Hello friends, good morning. Welcome to Vasaikar Rovilda. And today I am going to take you to a place. Did you all guess which place we are in? This city is also known as City of Palaces. And we are going to visit one of the palace of the seven palaces. Along with me, ये भाई साहब हैं। इन्होंने रात को हमारी बहुत हेल्प की थी क्योंकि जो हम लोग ने ऑनलाइन बुकिंग किया था होटल, वो नॉट सेटिस्फाइड क्योंकि ऑनलाइन में फ़ोटोज़ का ये अच्छा रहता है, बट एक्चुअल में हम लोग ने रात को देखा तो इट वॉज़ वेरी अनक्लीन, सो वी लीव द होटल इमिडिएटली। और इन्होंने हम लोग को अच्छे से होटल में ला के, या फिर ये है हेरिटेज इन, सो हियर इज़ आवर स्टे इन दिस होटल, वेरी नाइस होटल। एंड सो वी थॉट ऑफ हेल्पिंग दिस पर्सन हु हैड हेल्प्ड अस इन द नाइट, एंड सो आज पूरा दिन ये भाई हम लोग को ये जगह घुमाने वाले हैं। सॉरी, आई वाज सपोज टू से द नेम बट आई शुड नॉट बिकॉज यू हैव टू गेस द क्लू वेयर वी आर। And here we are in front of one of the palace among those seven palaces. We are near Mysore Palace in Mysore city, the city of palaces. So अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं महल के, and I don't know whether photography or video shooting is allowed over there, but I think वहाँ पे हम लोग को पता चला कि we can take मोबाइल कैमरा, बट द अदर कैमराज वी कैन टेक, सो लेट्स सी नाउ। अंदर यहाँ पे शूज़ अलाउ नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे चप्पल रखने के लिए। तो यहाँ पे ऐसा बैग देते हैं ये लोग अपने शूज़ रखने के लिए, एंड पर पैर दे टेक समथिंग अराउंड 2 रुपीज़। और अभी जो मैंने आपको यहाँ पे सामने दिखाया पैलेस का, दैट इज़ कमिंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहाँ पे कॉमन पीपल को अलाउ है एंट्री करने के लिए। ये यहाँ के राजा थे फ्रॉम द ईयर 1953 टू 2013। दिस पर्सन सेज दैट समवेयर बिहाइंड दिस दैट फैमिली स्टेज एंड वी कांट गो देयर, सो नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द पैलेस। पैलेस का टाइमिंग है समथिंग 10:30 टू 6:30। एंट्रेंस फीस कुछ 45 रुपीज़ पर पर्सन है। हम लोग पीछे की तरफ से गए थे, अभी एक्चुअल मेन पैलेस का जो एंट्रेंस है वहाँ से हम लोग जा रहे हैं। Thank you.
the best time to visit this Mysore place is Dasara, क्योंकि Dasara के दिन बहुत बड़ा यहाँ पे procession निकलता है, जो अंबारी रहती है यानी chariot, वो 750 gold का है. अभी अभी जो अंदर मैंने आपको वो दिखाया, आपने देखा होगा chariot, तो उसके अंदर चामुंडा देवी को बिठा के पूरा पूरा दिन उसका procession यहाँ पे निकलता है. अगर आपको ये palace अंदर से देखना है तो timing है 10 to 6:30 somewhat. और शाम के वक्त यहाँ पे मस्त लाइटिंग शो होता है, यानी पूरा पैलेस अच्छी तरह से इसे सजा देते हैं. एंड स्पेशली आई थिंक सैटरडेज एंड संडेज को ही होता है, तो हम लोग शाम को भी आएंगे यहाँ पे देखने के लिए कैसे यहाँ पे लाइटिंग शो रहता है. यस फ्रेंड्स, अभी हम लोग सेंट फिलोमिनास चर्च के यहाँ पे खड़े हुए, एंड दिस इज़ रिकोगनाइज एज द सेकेंड टॉलेस्ट चर्च ऑफ एशिया. चर्च के बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं जू. ये मैसूर का बहुत बड़ा जू है एंड सुपर्ब जू. तो अंदर जाके देखते हैं कौन कौन से एनिमल्स हैं. ओके, तो बाहर जो बोर्ड लगाया था 80 rupees एंट्रीज फी, वो ऑड डे के लिए है. सैटरडे संडे इज दे टेक 100 rupees फ्रॉम. की बात यह है कि सब टाइगर्स लेपर्ड सब सोए हुए हैं, जितना पॉसिबल था उतना दिखाया. आई होप आप लोगों ने देखा होगा व्हाइट टाइगर, मस्त दिख रहा था. स्वैम्प डियर के बारे में, तो वहाँ पे आप देख सकते हो बहुत बड़ा जू है. और अभी तक बाकी है 1.8 किलोमीटर अभी तक चलना है. माय गुडनेस, देयर इज अ मंकी बिहाइंड मी ओवर हियर. आप देख सकते हैं जैसे कि मैं चल रही थी वहाँ से मंकी बाहर उतर के आया, एंड आई एम गोइंग बिहाइंड. Got really scared because I think that lady was having something in her hand and monkey all of sudden he came out and he jumped on us. So be careful when you all are going in zoo. Please do not tease animals, or if you have any eatables in your hand, keep it in your purse. आप अगर कभी मैसूर विजिट करने आते हो तो बच्चों को ये जू में ज़रूर लेके आइएगा, बिकॉज दिस जू इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. From small animals till the big ones, you all get to see all kinds of animals here. जैसे कि white tiger, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया, lion है, basin है, फिर deers है, different kinds of monkeys, different kinds of birds, giraffe, zebra, सब देखने के लिए मिलेंगे. लास्ट टाइम मैं जब बच्चों को लेके यहाँ पे आई थी तभी वो ऑलमोस्ट द स्टार्टिंग ऑफ द मानसून सीजन था, और इट वॉज जस्ट सपोज टू रेन, एंड द पीकॉक लाइक
they were dancing and even जब हम लोगों ने जिराफ देखा जिराफ मस्त दौड़ रहे थे तो usually television में देखा था लेकिन ऐसे real में देखने के लिए इतना अच्छा लगा अभी भी मैं आपको दिखाऊंगी but I don't know in which condition they might be but last time superb ऐसे दौड़ रहे थे ना नजारा बहुत अच्छा था यहाँ पे अभी हम लोग नीलगाय देखेंगे which is the biggest Asian antelope so I'll zoom out and I'll show you all This is a very amazing sight which I missed in all the zoos normally क्योंकि बहुत सारे zoo घूमे हैं लेकिन जिराफ कहीं पे भी दिखाई नहीं दिए लेकिन ये जो ऐसा एक zoo है really I liked it very much because here you get to see different types of animals and especially I love to see giraffes over here very nice very beautiful Friends, I'm standing in front of Chamundeshwari Temple, which is situated on the hills of Chamundi. और यहाँ पे बहुत सारे भक्त जो है वो चामुंडेश्वरी देवी के दर्शन के लिए आते हैं और ये जो हिल है ये सेंटर पे है जहाँ से आप पूरा मैसूर सिटी देख सकते हैं सो ये जो टेम्पल है इसका यानी मैसूर सिटी का नाम कैसे पड़ा इसका भी एक हिस्ट्री है सो दिस मैसूर एक्चुअली इन द एंशियंट टाइम इट वॉज रूल्ड बाय the demon king Mahishasur and this demon was having the buffalo head and he was killed by Chamunda Devi this goddess killed this Mahishasur demon so iske liye ye jo Mysore city hai iska naam pehle hota tha Mahishasuru lekin baad mein isko Mysuru aise naam de diya gaya actually anglists yani british jab aaye the tabhi unhone sab ek ek city ka naam likha tha इसी तरह मैसूर पहले बोला जाता था ट्रेडिशनली दे कॉल इट एज मैसूरु जैसे कि हमारे बॉम्बे का पहला नाम बॉम्बे था नाउ दे से मुंबई सो सिमिलरली बैंगलोर को बैंगलुरु सो सेम वे मैसूर बिकेम मैसूरु चामुंडेश्वरी टेम्पल के नज़दीक ही यहाँ पे आपको ये स्टैचू दिखाई देगा महिषासुर का स्टैचू है लोग आके यहाँ पे फोटो खिंचवाते हैं चामुंडेश्वरी टेम्पल जाते वक्त यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ से आप पूरा मैसूर का व्यू ले सकते हैं यहाँ पे वो पैलेस भी है जहाँ पे हम लोग गए थे सो द ईस्ट ऑफ दैट मैसूर पैलेस इज़ द चामुंडी हिल्स मैसूर का व्यू देख लिया यहाँ से अभी यहाँ पे पेंसिल पोर्ट्रेट बना रहे हैं सो देखती हूँ मेरा पेंसिल पोर्ट्रेट कैसा आता है आनंद का स्केच बना रहे हैं ये है ओरिजिनल आनंद और ये है स्केच में अच्छा निकाला है मैं ये ओरिजिनल और मेरा स्केच गुस्से वाले निकाला है भाई आप किधर लेके जाने वाले हो अभी हमें अभी अभी सैंड म्यूजियम जा रहा है सैंड म्यूजियम जाएंगे ओके फाइन चलो हम यहाँ पे आए हैं सैंड म्यूजियम के यहाँ पे और आई थिंक 40% टिकट है Thank you.
आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे इमेजेस है सब सैंड से बने हुए हैं. व्हाट एन आर्ट, सुपर्ब बना है. पूरा दिन घूमे, अभी हम लोग होटल वापस आ गए हैं और शाम को वापस हम लोग जाएंगे पैलेस जहाँ पे लाइटिंग का शो होता है. तो थोड़ी देर अभी आराम करते हैं. यहाँ पे शाम को 7 बजे लाइटिंग शो शुरू होता है, लेकिन बारिश की वजह से हम यहाँ पे नहीं आ सकते थे क्योंकि 7 बजे बहुत ज़ोरों की बारिश हुई यहाँ पे. और एग्जैक्टली 7 बजे यहाँ पे अच्छा शो रहता है. आई थिंक दे टेल स्टोरी इन इंग्लिश एंड ऐसा एक एक पार्ट करके वो लोग लाइटिंग करते हैं. सो देखने के लिए बहुत सुपर्ब होता है वो व्यू. बट आई एम सॉरी, सो जितना भी है वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ. मस्त लाइटिंग किया है पैलेस को. इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल. ये जो नज़ारा है वो सिर्फ 8 बजे तक ही रहता है. फ्रेंड्स, एक्चुअली मैसूर सिटी इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल सिटी एंड देर आर मेनी प्लेसेस टू सी इन मैसूर सिटी, बट वी आर लैकिंग शॉर्ट ऑफ टाइम एज वी आर कम हियर फॉर द बिजनेस मीटिंग. So we are having only 2 days, and yes, 2 days are enough for to see this Mysore place. So today, whatever was possible for me, I had shown you all different places in Mysore. Let's see if I get time tomorrow. We'll surely do the sightseeing once again. And yes, my dear friends, if you had liked my video, please click on like and subscribe. And if you are new to my channel, please subscribe and leave your comments. Thank you. See you. Sayonara. Bye-bye.